खैर ऐसे होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हो आपका इंटरेस्टिंग सा चैनल ए व्लॉग्स। तो गाइज आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइज आज आ चुकी है आपके भाई की पेमेंट दूसरे चैनल की, किंग क्रिएटिव प्लस की। तो आज आपको दिखाएंगे कि वो पेमेंट कितनी आई है और क्या हिसाब से आई है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी पेमेंट लेने जा रहे हैं, जैसा कि देख सकते हो आईडी कार्ड वगैरह मेरे हाथ में मेरा, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे बाजार, ठीक है, जो वेस्टर्न यूनियन है वहाँ से पेमेंट निकलवा के लाएंगे। निकालते कैसे है सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से आपका भाई बताने वाला है। ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, पूरा वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हूँ आप लोगों को, कैसे चैनल बनाया, कैसे मतलब अर्निंग वगैरह हुई। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल वाले आइकन को प्रेस करते हुए ऐसी अच्छी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज हमारे दो चैनल है, एक किंग क्रिएटिव ऑफिशियल है, ठीक है, किंग क्रिएटिव प्लस है, और हमारा ये तीसरा चैनल ए व्लॉग्स है, ठीक है, जिसपे मैं आपके लिए काफी अच्छी वीडियोस व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइज जो हमारा किंग क्रिएटिव ऑफिशियल है उसकी अलग से अर्निंग आई है, और जो सा किंग क्रिएटिव प्लस है उसकी अलग से आई है, और जो किंग क्रिएटिव प्लस है उसकी अर्निंग मैं आपको अभी इधर शो करवा दूंगा, पर थोड़ी देर बाद करवाऊंगा। पूरा वीडियो को देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अभी हम जो वेस्टर्न यूनियन जाएंगे, जिसे बैंक भी कहते हैं, वहां जाके अपनी पेमेंट रिसीव करेंगे, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि पेमेंट कितनी आई है। तो अभी बाजार की तरफ चलते हैं और हमारी जो पेमेंट है वो निकलवा के लाते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज सबसे पहले कि मैंने चैनल कैसे स्टार्ट किया, मैंने कम से कम 2018 में चैनल स्टार्ट किए थे, ठीक है गाइज, जुलाई को किए थे चैनल स्टार्ट। पहले किंग क्रिएटिव ऑफिशियल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस पर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करता रहा, और मेरा कोई 6 महीने बाद वो चैनल चल गया था, और उसके 3 महीने बाद मेरी पहली पेमेंट आई थी, ठीक है। ऐसे ही हमारे किंग क्रिएटिव प्लस के साथ भी ये हुआ, पर वो हमारा चैनल, क्योंकि हमारा किंग क्रिएटिव ऑफिशियल चैनल था मेन चैनल, उसकी वजह से हमारा जो किंग क्रिएटिव प्लस है वो चैनल भी चल चुका, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बाजार और अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव करके आते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी हमारे साथ हैं भाई कबीर, और बाइक हमारी रेडी है, अभी हम जा रहे हैं वेस्टर्न यूनियन पेमेंट निकालने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अभी हम वेस्टर्न यूनियन आ चुके हैं, अभी अंदर जाएंगे और अपनी पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम वेस्टर्न यूनियन गए, पहले वेस्टर्न यूनियन बंद था, ठीक है, मतलब बंद ही था एक तरह का, उनके पास कैश वगैरह नहीं था, ठीक है। वो कह रहे थे कि 3 बजे 3:30 बजे आएगा कैश, ठीक है, तो फिर आप आके ले जाना। तो इतना सब्र तो हो नहीं रहा था क्योंकि व्लॉग बना रहा था मैं। तो फिर साथ ही एक्सरी बैंक था, ठीक है, उधर मैं गया, उनके पास वेस्टर्न यूनियन की सर्विस थी, ठीक है, तो उधर से हमने अपनी जो गूगल पेमेंट है वो निकलवा ली, ठीक है, देख सकते हो यूट्यूब की पेमेंट निकलवा ली। और ये कितने हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो गाइज देख सकते हो कितने ज़्यादा नोट हैं, सिर्फ एक चैनल के हैं, अभी दूसरे चैनल की आपको फिर कभी दिखा दूंगा, और साथ में रसीद वगैरह भी मिली है, आपको सारा कुछ दिखाता हूँ कि ये पेमेंट कितनी है। तो अभी देख लेते हैं हमारी जो ये पेमेंट है कितनी हमें मिली है। तो गाइज जैसा कि देख सकते हो कि हमारी ये है गूगल पेमेंट, ठीक है गाइज, देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कड़कड़े नोट हैं, ठीक है। तो गाइज ये मैंने 5,000 रुपया अभी खुला करवा के लाया था, ठीक है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को बीच में दिखा दूंगा, ये थोड़ा सा ना मतलब कि ये मेरा खर्चा वगैरह होगा, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो ये 310 रुपये साइड पे हैं, ठीक है, और अभी हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा नोट हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं गिन के नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गिन लेना, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नोट ये बने हैं, मतलब कि ये कम से कम हमें कितने पड़े हैं आपको इस रसीद में देखने के लिए मिल जाएगा।
तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमें एक्सचेंज रेट 160 रुपए मिला है, ठीक है। तो हमारे जो 325.19 यूएस डॉलर बने हैं, ठीक है, देख सकते हो आपके सामने ही है, और ये पूरा 52,313 रुपए बने हैं, ठीक है। और जो हमें 3 रुपए हैं ऊपर वाले नहीं मिले, क्योंकि बैंक वालों के पास मेरे ख्याल से खुले पैसे नहीं होते। तो गाइस ये थी हमारी जो सेकेंड इनकम है यूट्यूब से, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नोट बने हैं। आप भी यूट्यूब पे काम करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी जो पेमेंट है काफ़ी ज़्यादा बनी है सिर्फ एक चैनल की, मतलब कि अगर आप कहीं पे काम भी करते हो ना, मतलब 12 घंटे काम करके, तो आपको कम से कम फिर भी 20,000-15,000 मिलता है। तो गाइस देख सकते हो मैं एक वीडियो बना के, जो उमर भाई हैं एक वीडियो बना के, मैं एक वीडियो बना के डेली एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपको इंटरटेन करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है वीडियो देखने के लिए। एक वीडियो बना के इतनी खास अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सारा दिन फ्री रह के। तो ऐसे आप मतलब थोड़ा सा अपना काम करके भी साथ में आप साइड से इनकम भी अच्छी कर सकते हो। मैं यही कहूँगा आप भी यूट्यूब पे आओ और अच्छी इनकम करना शुरू कर दो, मतलब डेली बाय डेली वीडियो डालते रहो। ये मत कहना कि हमारी बस इनकम आए इसलिए हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, मतलब लगे रहो, 6 माह तक लगे रहो, चैनल चल जाएगा, उसके बाद आपकी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चले जाएगी। तो गाइज कैसा लगा आज का व्लॉग, लाजमी से कमेंट और लाइक करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।